वो सरकार बनने के 3 महीने बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने सभी सिस्टम पे काम करना शुरू कर दिया। पर अभी गहलोत जी तो जाने वाले हैं, और जाने वाले आज ये स्कीमें लेके आ रहे हैं, फ्री बिजली, फ्री ये, फ्री वो। ठीक है, दिल्ली में जो लिक्विड वाली दुकानें हैं, पहले उनकी गिनती पहले से ज्यादा बढ़ी है, पर उसके हिसाब से दिल्ली में एक बड़ा रेवेन्यू भी सरकार को आ रहा है। पिलानी में आज मूसलाधार बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी से शहरवासी परेशान थे। करीब 1 घंटे हुई बारिश के बाद लोगों ने कुछ राहत की सांस ली। पिलानी में कल 49.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। आज तापमान में भारी गिरावट के बाद मौसम सुहावना हुआ। पिलानी में आज 69 mm बारिश दर्ज की गई। वहीं बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया। शहर में पानी से भरे कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां हाल ही में सड़क बनाई गई है। इन सड़क निर्माण में भारी अनियमितताओं के कारण बारिश के रुकने के 1.5 घंटे बाद भी पानी इनमें भरा नजर आया। शहर में विकास इस कदर हुआ है कि जहां नाली बनी है वहां सड़क नहीं बनाई गई है, और जहां सड़क बना डाली वहां नाली नहीं बनी। इस भयंकर विकास की मार अब जनता झेल रही है। वहीं प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोता नजर आ रहा है। आमजन की शिकायतें विभाग के दराज में बंद कर दी जाती हैं। वहीं पिलानी में आज आम आदमी पार्टी के द्वारा ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया गया। इस कैंप में पंजाब सरकार के पीआरटीसी चेयरमैन रंजोत सिंह हरडाना ने शिरकत की। इस दौरान पिलानी विधानसभा प्रत्याशी राजेंद्र मावर, आम आदमी पार्टी राजस्थान स्टेट ज्वाइंट सेक्रेटरी तैयब मेहराब खान ने जमीनी स्तर पर काम कर कार्यकर्ता जोड़ने की बात कही। आज विधानसभा पिलानी में हमारे राजेंद्र मावर जी और हमारे स्टेट ज्वाइंट सेक्रेटरी तैयब मेहराब खान जी, इनके नेतृत्व में आज पिलानी में एक ट्रेनिंग कैंप रखा गया था आम आदमी पार्टी को ग्राम वार्ड से मजबूत करने के लिए। हमने इस ट्रेनिंग कैंप पे सिर्फ ब्लॉक इंचार्ज और सर्कल इंचार्जों को बुलाया था, पर फिर प्यार से इस मोहल्ले से और पूरी विधानसभा से बहुत लोग ने आज आके इस ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लिया। और मैं देख रहा हूँ दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी द्वारा, आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा जो लोग भलाई के दिल्ली में काम किए जा रहे हैं, जिनमें शिक्षा और हेल्थ, बिजली, पानी, और ऐसे ही जो पंजाब में भगवंत मान जी की सरकार द्वारा पिछले 1.5 सालों में लोग भलाई के काम किए जा रहे हैं, तो आज पूरे राजस्थान के लोग भी पूरे उत्साहित हैं आम आदमी पार्टी को लाने के लिए। तो पिछले 3-4 दिनों से लोकसभा झुंझुनू में के अलग अलग विधानसभाओं में जो हमारी मीटिंगें हो रही हैं, तो बहुत ही उत्साह है लोगों में आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ने के। राजस्थान में क्या मुद्दे रहेंगे मेन सर? अगर मुद्दों की बात करें तो आने वाले समय में ऐसे ही पार्टी हर एक विधानसभा क्षेत्र के लेवल तक एक बड़ी मीटिंगें रखेंगे हम। तो जो पार्टी का चोन मैनिफेस्टो होगा वो लोगों से पूछ के बनाया जाएगा। ऐसे ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने और पंजाब में जो भी क्षेत्रीय मुद्दे थे, चाहे पूरे स्टेट के मुद्दे थे, तो लोगों से पूछ के चोन मैनिफेस्टो बनाया था। ऐसे ही राजस्थान के लोग खुद बताएंगे कि उनको क्या चाहिए। सर, दिल्ली में मैनिफेस्टो जो था उसमें लीकर को लेकर के अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि हम बैन करेंगे, लेकिन वहां तो हर गली मोहल्ले में शराब की दुकानें खुलना शुरू हो गई। बात ऐसा है, जो आप बात कर रहे हो इसमें कोई इतनी बड़ी सच्चाई नहीं है। दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में जो लिक्विड वाली दुकानें हैं, पहले उनकी गिनती पहले से ज्यादा बढ़ी है, पर उसके हिसाब से दिल्ली में एक बड़ा रेवेन्यू भी सरकार को आ रहा है। ये मुद्दा तथहीन है। दिल्ली में दिल्ली सरकार ने मोहल्लों में मोहल्ला क्लिनिक दिए हैं और अच्छे स्कूल दिए हैं, पर ये एक बीजेपी की सरकार द्वारा, ये पूरे देश में और कांग्रेस द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि दिल्ली में मोहल्ले मोहल्ले में एक शराब के ठेके खुले हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, और पूरा इंडिया जानता है आज भाई आम आदमी पार्टी ही एक नया विकल्प है लोगों के लिए, अगर किसी भी स्टेट और देश को बदलना है। सर, राजस्थान सरकार जो है वो हेल्थ को लेकर के इंश्योरेंस वगैरह, जो चिरंजीव योजना, बड़ी एक योजना उन्होंने पेश की है, बिजली फ्री यूनिट जो दी है, इसको कैसे काउंटर कर पाएगी आम आदमी पार्टी? बात है काउंटर करने की। आम आदमी पार्टी की सरकार को पंजाब में बने आज 1 साल 3-4 महीने हुए हैं, पर आम आदमी पार्टी ने जो चुन मैनिफेस्टो में बोला था भी फ्री बिजली देंगे और भी जो जो बोला था, कच्चे अध्यापकों को पक्के करना और जो आउटसोर्सिंग वाले हैं उनको पक्के करना, मुलाजिमों को,
तो सरकार बनने के 3 महीने बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने सभी सिस्टम पे काम करना शुरू कर दिया, पर अभी गहलोत जी तो जाने वाले हैं और जाने वाले आज ये स्कीमें लेके आ रहे हैं, फ्री बिजली, फ्री ये, फ्री वो। अगर इनको राजस्थान से के लोगों से प्यार होता तो जब सरकार बनी थी, बनने के 3-4 महीने बाद ये योजनाएं शुरू करते। आज तो सिर्फ लोगों को लुभाने के लिए ये एक झूठे वादे कर रहे हैं, पर मैं समझता हूँ राजस्थान के लोग समझ चुके हैं, ये जो गहलोत की ये जो भ्रष्ट सरकार है इसको चलता करेंगे लोग।